इतना बस का किराया भाड़ा खर्च कर करके आया है आदमी, सहारनपुर से लेकर के आजमगढ़, बलिया, जौनपुर से, मऊ से, छपरा से लेकर देवरिया से लेकर के हरदोई, सीतापुर, आसपास के तो है ही, हम लोग एटा एटा, फिरोजा, फरगाबाद और यात्रा से लेकर कानपुर नगर, देहात, कुन्नाव और आपका ये पश्चिम से लेकर के मध्य से लेकर के पूर्वांचल तक का सारा के सारे लोग अपने बच्चों के साथ में भूखा प्यासा इधर आया हुआ है और रुका है इधर आपका कार्यक्रम सफल बनाने के लिए, और उसके बाद में आप नहीं आ रहे, ये क्या है सर? अगर मैं अपनी बात करूं, चूंकि यहां पर मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि संख्याएं आपकी कम है, आप दोबारा से आपका कार्यक्रम होगा, कहीं आपके लिए कोई अच्छा संदेश है या फिर कुछ गलत डायरेक्शन दिया सर? ये क्या है, हम कहां समय बर्बाद करके गाड़ी घोड़े लेकर के आते हैं, आप बताइए कहां से व्यवस्था कर पाएंगे? 10,000 रुपए में आप यही सब खर्च करा लेंगे तो हमारे तो बच्चों वैसे भी भूख से पीड़ित हैं और भी भूख से पीड़ित हो जाएंगे। 9,000 शिक्षक मित्रों ने आत्महत्या किया हुआ, उनका परिवार उजड़ गया, एक शब्द आप बोला होते विधानसभा के अंदर, बाहर भी बोल दिए होते, सांत्वना भी दे दिए होते, तो आप तो जो अब कहते रहिए, आप सरकार में आप कहिए जो कुछ आपको कहना है, क्या है? जो परिवार उजड़ रहे हैं, उजड़ जाते हैं, बुलडोजर चल जाता है गरीबों के आवास पर, घर पर, कहां बात निकल करके आती है? किसी 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 मेंबर के, किसी मेंबर ने कहा करके, किसी सदस्य की इतनी हिम्मत नहीं है, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, काउंसिल का हो, कोई मिनिस्टर है, कि सरकार के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके अगेंस्ट में कुछ अपनी तरफ से बोल जाए। अच्छा, 60 साल का आदेश जारी है, ये कहा गया कि शिक्षा मित्रों की समय सीमा 60 वर्ष होगी, उससे आप में से कितने साथी सहमत हैं? सर कहने के लिए कोई बायलॉ जारी हुआ है? कोई नियमावली बनाया क्या, नियमावली बनी है क्या, राजा क्या मिला है क्या? तो आप कहिए, आप चीफ मिनिस्टर हैं आप, या फिर मतलब आपके नुमाइंदे जो भी आईएएस हैं, जो भी सचिव हैं, प्रमुख विशेष सचिव हैं, आप कहिए। और जो शिक्षा मित्र 60 वर्ष की वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, यानी कि कार्य अवधि पूर्ण कर चुके हैं, कोई नहीं किया भैया? नहीं, जैसे न्यूज ये निकल कर आती है कि जैसे लगभग सैकड़ों शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिले के अंदर जो कि 60 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हैं, क्या उन्हें बाहर करने के लिए नियम तो नहीं लागू? ये शिक्षक मित्रों का भविष्य इन्होंने, तभी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि मैंने आप शिक्षक मित्रों के साथ में हूँ, मैं आपको, आपका जो समायोजन रद्द हुआ है मैं आपके साथ में किया। अया हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस माननीय डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनका प्रमोशन होकर के वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई हो गया जाकर के, उन्होंने एक 1.5 लाख शिक्षक मित्रों के पेट पर उन्होंने एक तरह से हमारे जो गांव की भाषा है कि लात मार करके उनके बच्चों का भविष्य चौपट कर दिया। 5 वर्ष के अंदर जिनके बच्चे जो पढ़ने के योग्य थे, 5 वर्ष पूर्व जिसका बच्चा कक्षा 8 में या 10 में पढ़ रहा होगा उसको फीस प्रोवाइड नहीं कर पाए तो उसके बच्चे की तो शिक्षा ड्रॉप हो गई, बताइए उनके तो परिवार उजड़ गया। अब आप करने के लिए कहते खुद से सम्मेलन लाइए, आप नहीं बुलाया और आप ही नहीं आए तो आप बताइए यकीन कैसे करेगा शिक्षा मित्र, क्या कर पाएगा? बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात ये है क्योंकि जो शिक्षा मित्र है वो अपने ग्राम सभा का टॉपर रहा था ना, आप भी टॉपर रहे होंगे, उसके बाद उनकी नियुक्तियां हुई, तब शिक्षा मित्र योग्य थी, 3500 में कार्य किए, उससे पहले भी अल्प मानदेय में कार्य किए, जब 40,000 में काम करने लगे शिक्षा मित्र अयोग्य कैसे हो गए? जहाँ बात की जाती है विधानसभा में, विधान परिषद में जब सत्र होता है तो वहाँ पर बात चलाई जाती है कि शिक्षा मित्र अनुदेशक भी शिक्षक है, छात्र शिक्षक अनुपात में भी इन्हें शामिल किया जाएगा, हो गए और शामिल हुए हैं, क्या ये नई भर्ती को रोकने के लिए नहीं कहा जाता? सरकार को ये पता नहीं लग पा रहा है, सरकार हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं, जो महाविद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनकी कोई वैकेंसीज आउट नहीं हुए और उन्होंने धीरे से अपने जाकर के पटल कर लिए, एक माइनॉरिटी के तहत, और शिक्षक मित्र जो ग्राम पंचायत से निकल करके आए हैं उन्होंने जो काम किया अच्छा, तो सरकार की मंशा क्या है? वो सोच रहे होंगे कहीं से कि हमको ऐसा तो नहीं है कि शिक्षक मित्र मेहनत कर रहा है और उसको लग रहा है। और मान्यवर एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो एमपिल डीलेट पीएचडी की डिग्री लेकर के एमए बीएड पीएचडी करेगा वो प्राथमिक के शिक्षक बच्चे को पढ़ाएगा, क्या पढ़ा सकता है? उसके लिए शिक्षक मित्र की एजुकेशन, स्नातक और जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीटीसी कराया गया है इनको, वो पूरे ट्रेंड है और ट्रेंड में कोई कमी नहीं और योग्यता में कोई कमी नहीं। अगर टेट लगाना था, सुपर टेट करना था तो जितने टीचर हैं 2-2.5 लाख हैं जो प्राथमिक शिक्षक में, उनके सबको कराइए और निकल के बाहर आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ देश प्रदेश की गवर्नमेंट से, आपके पार्लियामेंट में 400 विधायक बैठे हुए हैं, आप करा दीजिए, उनका एक इंटरव्यू करा दीजिए और 10 क्वेश्चन रख दीजिए और एक असेंबली का मेंबर अगर उनको जवाब दे लेना
ग्राम शिक्षा मित्र अपना फुटपाथ पर अपना जो भी नौकरी छोड़ देंगे, अगर जितना ज्ञापन पत्र शिक्षा मित्रों के द्वारा दिया गया है अगर उसे समेटा जाए तो कम से कम 7 से 8 फाइलें तैयार हो जाएंगी, बहुत फाइलें तैयार हो जाएंगी। उसके ऊपर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? जब शिक्षा मित्रों की चर्चाएं होती हैं तो सरकार के द्वारा, सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा क्यों कहा जाता है कि हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे? मान्यवर आप बताइए 800 किलोमीटर दूर से देहरादून से और